हेलो दोस्तों, हरियाणा जीके के क्वेश्चन में दोस्तों आपका वेलकम है। दोस्तों तो दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए हरियाणा जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके नेक्स्ट ईयर एग्जाम के अंदर आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो 16वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, और भारत की लगभग 2.09% जनसंख्या हरियाणा में निवास करती है। सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? तो 19.9% रही है दशकीय वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक रही है? तो रेवाड़ी में रही है 92.9% साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक रही है? तो गुरुग्राम में रही है दोस्तों 77.6% रही है महिला साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में पुरुष और महिला साक्षरता दर न्यूनतम रही है? तो मेवात में रही है, जहाँ पर पुरुष साक्षरता प्रतिशत 73% है और महिला साक्षरता 37.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात किस जिले का है? तो सर्वाधिक लिंग अनुपात है 906, जो कि मेवात जिले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम दशकीय वृद्धि किस जिले में हुई है? तो गुड़गांव में हुई है सबसे ज़्यादा, और न्यूनतम हुई है झज्जर में। तो गुरुग्राम में कितनी हुई है? 73.93% दशकीय वृद्धि हुई है जनगणना में, और झज्जर में सबसे कम हुई है 8.73%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या किस जिले में है? तो गुरुग्राम में है दोस्तों सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या जो है 68.82%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवत 1385 में किस अभिलेख में हरियाणा की धरती पर स्वर्ग के समान बताया गया है? तो सारवान अभिलेख में बताया गया है हरियाणा की धरती को स्वर्ग के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर सबसे पहले खेती के प्रमाण मिले हैं? तो हिसार सिसवाल स्थान पर मिले हैं खेती के प्रमाण हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ स्थापित की गई? तो 1880 में स्थापित की गई थी, और कहाँ स्थापित की गई थी? रेवाड़ी के अंदर आर्य समाज की पहली शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अप्रैल सन 1919 को महात्मा गांधी को किस स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था? तो पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को किस प्राकृतिक भाग का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो मैदानी भाग का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिपाद मैदान किसे कहते हैं? तो हरियाणा के शिवालिक पर्वत क्षेत्र को गिरिपाद मैदान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किन जिलों में गिरिपाद मैदान है? तो यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला के अंदर है गिरिपाद मैदान। दोस्तों अगर दोस्तों हरियाणा जीके के क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से वीडियो को शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों।